पंजाब में नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से उन्होंने शपथ ली, कुछ न कुछ चैलेंज उनके सामने आते ही जा रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री एक नए विवाद में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये विवाद ऑफिशियल मीटिंग के दौरान चन्नी की बेटी की मौजूदगी को लेकर है। गुरुवार को पंजाब के डीजीपी की प्रदेश के अन्य अधिकारी और मंत्रियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक चल रही थी। इस मीटिंग में चन्नी के बेटे रिदमजीत सिंह मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आने के साथ अब विवाद शुरू हो गया। हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में डीजीपी के ठीक पीछे सीएम का बेटा रिदमजीत सिंह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस मीटिंग में उसकी उपस्थिति पर कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें आने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। लोगों का कहना है कैसे उसे इस हाई लेवल कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में बैठने की इजाजत दी गई। इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर सहित कई गोपनीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी और ऐसे में रिदमजीत सिंह वहां कैसे बैठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इसे पूरी तरह से अनैतिक बताया। अश्विनी शर्मा ने कहा, चन्नी 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें नियमों के बारे में काफी अच्छे से पता है। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नियम कानून को जानते हुए भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इसकी इजाजत दी। इस मामले में जानकारों का कहना है, चाहे कोई सीएम का रिश्तेदार ही हो, राज्य सरकार की ऑफिशियल मीटिंग में नहीं बैठ सकते और ऐसी मीटिंग में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का बैठना राज्य सरकार के हितों के खिलाफ है। और इस मीटिंग में सीएम के बेटे के मौजूद रहने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करार दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर हालांकि कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई। हालांकि सीएम ऑफिस के अफसरों के मुताबिक सीएम चन्नी देर रात तक ऑफिस में काम करते रहते हैं और इसलिए उनके परिजनों को भी इंतजार करना पड़ता है, इसी वजह से वो ऑफिस में बैठ जाते हैं। हालांकि ऑफिशियल मीटिंग में बैठने को लेकर कोई कुछ कह नहीं रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।